अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 148। और आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक 3D कप विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कमांड एंड हाउ टू यूज वी प्रेस पुल एंड रिवॉल्व कमांड। आज के लेसन में हम इन कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे, इन कमांड को कैसे यूज किया जाता है और उसके अलावा हम 3D कप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ इस तरह का हम कप ड्रॉ करेंगे, कप की मॉडलिंग करेंगे। आप देखें 3D में ऐसा कप ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ, न्यू ड्राइंग लूंगा और अब मैं यहाँ पे जो काम करूँगा उसके लिए मैं सर्कल सी एंटर करता हूँ। तो उस कप में थोड़ा सा फर्क है तो मैं यहाँ से बिल्कुल एक्यूरेट कप एक ड्रॉ करूँगा। एक सर्कल लेता हूँ, सी एंटर, 5 एंटर, एक और सर्कल लेता हूँ सी एंटर और इसको देता हूँ 4.5 एंटर। सी एंटर, 5 एंटर, सी एंटर, 4.5 एंटर, ओके। और एक और सी एंटर करूँगा जो कि सी एंटर, ओके। बस यहाँ तक काफ़ी है। अब इसे मैं यहाँ से टॉप से बाद में इसे राइट व्यू में लेके जाता हूँ या लेफ्ट में, जिसमें मर्जी आप लेके जाएं। और यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर, यहाँ मिड पॉइंट से ड्रॉ करता हूँ और इसे यहाँ तक लेके आता हूँ। और यहाँ से इसे मैं ड्रॉ करूँगा F8 प्रेस करके। इसको मैं यहाँ से देता हूँ जी तकरीबन 20 एंटर करता हूँ, सॉरी एल एंटर, थ्री हंड्रेड, क्यों यहाँ से देखूँ जरा ये सर्कल इतना बड़ा कैसे हो गया, इसको डिलीट करने क्योंकि पहले वाला सर्कल और ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। राइट व्यू में जाता हूँ, एल इंटर, ट्वेंटी, ओके, यहाँ तक काफ़ी है। और यहाँ पे मैं एक आर्क लूँगा, ए इंटर, ए एंटर, इस पॉइंट से आर्क, F8 प्रेस करता हूँ, ओके। और इस आर्क को थोड़ा सा मूव करूँगा आगे, यहाँ थोड़ा पीछे मूव करता हूँ और इसको मूव करूँगा M एंटर, थोड़ा सा आगे यहाँ से इसे मूव करता हूँ, M एंटर, ओके, एल एंटर, यहाँ से थोड़ा सा हम इसको यहाँ से यहाँ तक, ट्रिम, TR, डबल एंटर, TR, डबल एंटर, यहाँ से ना मैं XL कमांड देता हूँ, XL एंटर कंस्ट्रक्शन लाइन है और थोड़ा इसके करीब से मैं यहाँ से एक्सेल एंटर करता हूँ, F8 प्रेस करके, ट्रिम, TR, डबल एंटर, डिलीट करता हूँ यहाँ से, ओके। यहाँ तक कंप्लीट हुआ और अब जो काम करते हैं वो देखते हैं किस तरह हमने करने का। तो इसको थोड़ा सा मूव करूँगा मैं, टॉप 20 है, 20 पे मैं इसको मूव करूँगा, यहाँ से इस बाहर वाले सर्कल को थोड़ा मूव करूँगा 20 पे और इसको यहाँ से मूव करता हूँ, हाँ यहाँ पे ठीक है ये, इसको मैं डिलीट करता हूँ लाइन को, 20 पे मूव करूँगा बाहर वाले सर्कल को। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ मूव एम एंटर,
इसको सिलेक्ट करता हूँ स्पेस, और इसको मिड पॉइंट से मूव करूँगा टॉप में 20 के रेडियस, 20 के जी पे। ओके अब मैं यहाँ से स्वीप कमांड यूज़ करूँगा, स्वीप कमांड। तो स्वीप कमांड के लिए सॉरी यहाँ से स्वीप नहीं, हमने यहाँ से जो कमांड यूज़ करूँगा वो लॉफ्ट कमांड यूज़ करूँगा, यहाँ से स्पेस यहाँ तक। ओके आप देखते हैं इसने काम कैसे किया। यस सही है। अब यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सर्कल नहीं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, आई सी एंटर, और इसके लिए मैं टॉप व्यू में जाता हूँ, यहाँ से टॉप और इस व्यू में जाता हूँ। आर ई सी एंटर एट द रेट ऑफ 3.5 एंटर। आर ई सी एंटर एट द रेट ऑफ 3.5 एंटर, सॉरी एट द रेट ऑफ 3.5 इंटर। अब सही है। मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसको यहाँ से थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ आगे की तरफ। ओके अब यहाँ से इसको मैं जो है तो एफ इंटर आर इंटर और वन इंटर करता हूँ, वन के रेडियस में इसे 1 पॉइंट या 0.8, 0.5 या 8 के रेडियस पे मैं इसे पॉली लाइन में इसको मैं रेडियस देता हूँ। तो ये जो है हमारे पास चेंज हो रहा है, तो इसको एफ इंटर आर इंटर 0.2 इंटर, पॉली लाइन के लिए पी इंटर, एफ इंटर आर इंटर 0.4 इंटर और पी इंटर, एफ इंटर आर इंटर 0.6 इंटर, एफ इंटर आर इंटर 0.6 इंटर, पॉली लाइन के लिए पी इंटर। यह सब सही है। और अब मैं इसको यहाँ से जो है तो रोटेट करता हूँ, लेकिन पहले वाला ठीक था और सही है। इसको मैं यहाँ से स्वीप करूँगा, स्वीप कमांड के लिए स्वीप पे क्लिक करता हूँ और स्पेस, और यहाँ से इसको यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ जी। इसको अब मैं रियलिस्टिक व्यू में जाके देखता हूँ। ओके यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया जी। और अब यहाँ से मैं जो है तो एक काम करूँगा, शेल कमांड यूज़ करूँगा, शेल कमांड, यहाँ से शेल कमांड पे क्लिक करता हूँ, फेस सेलेक्ट करता हूँ इसका, सॉरी पूरा का पूरा हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ स्पेस, और यहाँ से इसका फ्रंट व्यू सेलेक्ट करूँगा पूरा ऑब्जेक्ट, फिर फ्रंट व्यू सेलेक्ट करके स्पेस, और उसे मैं करता हूँ 0.3 एंटर। ओके यहाँ पे देखें ज़रा काफी ड्रॉ बन गए, और यहाँ से फिर एड कमांड यूज़ करूँगा, एफ एंटर आर एंटर 0.1 एंटर, और यहाँ से स्पेस, यहाँ से राउंड हो गया। देखें तो हमारे पास देखें कप भी ड्रॉ हो गया और इसमें कंप्लीट हमारे पास काम भी हो गया। और इसको मैं आपको बताऊं, देखें अब एक और काम करता हूँ, पहले हमें एक काम करना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया, लेकिन चले अब करता हूँ मैं। तो यहाँ पे इसके फ्रंट व्यू में यहाँ से बॉटम से इसमें जो है ना यहाँ से इसको फिर एड करता हूँ, यहाँ से भी बल्कि यहाँ से मैं एक प्रेस पुल कमांड यूज़ करूँगा और उसको थोड़ा बाहर लेके आता हूँ यहाँ पे 1 के फासले पे। ओके अब इसको मैं फिलेट करता हूँ, एफ इंटर आर इंटर, और मैं इसको करता हूँ 0.8 इंटर। यस सब देखें, देखें ज़रा तुम्हारे पास एक राउंड शेप में हमारे पास एक कप ड्रॉ हो गया, देखें
ओके, लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ड्रॉ करना आगे कम से कम कब, और इसके फेसेस को कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं आप, इन दोनों को कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। लेकिन यह था जी कप, एक 3D कप बनाने का तरीका। फेसेस कम करना चाहें तो आप यहाँ से प्रेस पुल कमांड यूज़ करें। लेकिन कोई बात नहीं, चले तो ये हमारे पास ये कप ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं। तो यहाँ से इसका अपने जो है तो सर्कल अगर ज़्यादा करना चाहें सर्कल ज़्यादा कर सकते हैं, और पूरा कंप्लीट एक कप ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से इस पे काम करना चाहते हैं। मटेरियल अप्लाई करने के लिए, आप मटेरियल के लिए आप यहाँ से जाएंगे जी, सॉरी, यहाँ से आपने जाना है विजुलाइज पे जाना है, और यहाँ से मटेरियल पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप मटेरियल दे दें इसको, जो भी मटेरियल आप देना चाहें आप दे सकते हैं। देखिए मैं ये वाला मटेरियल फॉर एग्जाम्पल इसको देता हूँ, देखिए एक अच्छा सा मटेरियल है, और यहाँ पे आप यहाँ से जो मर्जी है मटेरियल आप दें, आपका ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेडी हो गया। बॉटम मटेरियल चेंज करना चाह रहे हैं चेंज दे दें, बॉटम मटेरियल चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारे पास इसका जो है तो हमारे पास मटेरियल ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये मटेरियल भी बन गया, और हमारे पास एक कप ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं 3D कप। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, हम किस तरह इस पे काम कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। तो इसकी हाइट मैंने 20 दी, आप थोड़ी कम दे दें, और वही तरीकाकार वही यूज़ करें स्वीप कमांड का, सॉरी आपने जो है तो रिवॉल्व कमांड होगी या नाम जेन से निकल गया जो कमांड है आपकी, लॉफ्ट कमांड का प्रोसेस वही है, सारे काम वही हैं, लेकिन आप इसकी हाइट थोड़ी कम दे दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।